कर्नाटक में देखा जाए तो गुरुकुल है और इस गुरुकुल का नाम है विष्णु गुप्ता विद्यापीठ। और इस गुरुकुल को हम अगर ड्रोन से देखा जाए, ऊपर से देखा जाए, तो वो ऐसा दिखता है, जिसे देखने के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि स्वातिक जो साइन होता है ना, स्वातिक साइन ऐसा दिख रहा है ऊपर से, वो ऐसा बिल्कुल बनाया गया है वहाँ पर। दैट्स वेरी अमेजिंग। नंबर 10, आपने तो अक्सर सुने होंगे एलिगेटर और क्रोकोडाइल के बारे में। ये जो एलिगेटर होता है और क्रोकोडाइल क्या होता है, ये देखो पीक पर, ये जो लेफ्ट साइड पर तुम देख रहे हो ना, ये है एलिगेटर, जो कि थोड़ा मोटकू लग रहा है, जो थोड़ा साइज में बड़ा लग रहा है, ये है एलिगेटर। और इस साइड का जो देख रहे हो, इसे कहते हैं क्रोकोडाइल, जो पतला लग रहा है, साइज में छोटा भी लग रहा है। और ये होता है एलिगेटर और क्रोकोडाइल का साइज तुम देख सकते हो, ऐसे होते हैं दोनों में। 9, जो बार देख रहे हो, इसका नाम है टोकन। जो बार का जो चोच होता है ना, ये देखने में तो बहुत अमेजिंग सा लग रहा है ना, ये चोच देख रहे इस बार के। हाँ, मगर इसका अमर एक्सरे चोच देख लेंगे तो तुम देख सकते हो कैसे थोड़ी सी हड्डियाँ और बाकी सब अपने में ही बनी है। ये बर्ड की चोच तुम देख सकते हो इसे, और ये तुम देख सकते हो इसकी जो टूट गए हैं। नंबर 8, ये जो देख रहे हो, इसका नाम है दीना सनिश्चर। और ये जो है ना, ये मोगली करेक्टर का जो होता है ना, वो इन्हीं का एक्सपेरिशन है, एक्सपेरिशन। और ये क्या हुआ कि ये बात बोले तो उत्तर प्रदेश के जो बुलंद शहर के एक जो होते हैं ना, जो ग्रुप ऑफ हंटर, उन्हीं का शिकार हो गए थे ये। और वो हुआ था February 1867 पर, और वो उन्हें जंगल पर ले गए। 6 साल तक जब थे उस टाइम पर वो ये सब हुआ था। जब इसे लाया गया था तब इसे देखो इसे कैसा व्यवहार है, और वो कैसे जो रॉ मीट होता है ना वो खा रहा है, कच्ची मांस को। और ये इसको ट्राई किया गया था 20 साल तक इसे सिखाने की, वो फिर भी वो नहीं सीख पाए थे कभी भी इसकी ज़िंदगी में। सिर्फ वो उल्फ जैसा होता है ना, उल्फ की जैसा आवाज़ निकल पाते थे, उल्फ जैसे। नंबर 7, जीके रोलिंग। ये जो देख रहे हो, ये हैरी पॉटर का राइटर है, और एक राइटिंग करने के साथ वो बुक लिखते थे और बुक भी सेलिंग करते थे। और एक दुनिया का पहला बुक बेचकर वो बिलियनर बनी थी, बुक बेचकर। और ये दुनिया का पहला बिलियनर में से एक है, जो कि बुक लिखना और उसे सेल करना और बिलियनर बनना। दैट्स अमेजिंग। 6, ये जो तुम बटरफ्लाई देख रहे हो, इसका नाम है लेक्सियस पैराडालिस बटरफ्लाई। और जो बटरफ्लाई होता है ना, ये हाफ मेल होता है और हाफ फीमेल होता है। जो लेफ्ट साइड देख रहे हो, ये लेफ्ट साइड मेल होता है, और जो राइट साइड देख रहे हो, ये राइट साइड फीमेल होता है। एक में ही दो होता है, मतलब हाफ फीमेल और हाफ मेल होता है ये बटरफ्लाई। और ये देखा जाए तो दुनिया के इकलौता मोस्ट यूनिक बटरफ्लाई में से एक है ये जो बटरफ्लाई है ना ये। नंबर 5, ये जो पिरामिड होता है ना, ग्रेटेस्ट ऑफ पिरामिड, एक पिरामिड का जो ब्लॉक्स होता है ना, एक बार क्या हो गया कि जो ब्लॉक बनाने में 4 इंसान ने काम किया था, वो भी 4 दिन काम किया तो एक ब्लॉक बना पाई, वो भी 2.5 टन का ब्लॉक बनाने में 4 दिन लगा था। मतलब आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ है, फिर भी इतना टाइम कैसे लगा। मतलब एक ब्लॉक बनाने की जो रिप्लेसमेंट कर रहे थे ना, वो बनाने में अगर 4 दिन लगा और 4 मैन पावर लगा, मतलब इतना टाइम लगा, मतलब उस टाइम में देखा जाए तो कैसे संभव हुआ था देखा जाए तो, मतलब किसने किया था, किससे इसे किया गया था, अगर सोचे तो बहुत ही गजब बात है भाई ये देखा जाए तो। जो पिरामिड का हम अगर बोले तो, इसके बारे में बोले तो बहुत ही लंग वीडियो बन जाएगी अगर हम। नंबर 4, ये जो ब्रिज देख रहे हो, ये वर्ल्ड फेमस ब्रिज है, और इस ब्रिज का नाम है ब्रुकलिन ब्रिज। और जो ब्रिज है ना, इस ब्रिज की हम बात करें तो इस ब्रिज के ऐतिहासिक पिक है ये जो देख रहे हो, ये क्या कर रहे हैं सब लोग, और ये सब लोग ना कलर पेंट कर रहे थे, और उस टाइम पर लिया गया था फोटो है ये, और ये फोटो 1914 पर लिया गया था फोटो है ये, मतलब बहुत पुराने फोटो है ये उस टाइम का। नंबर 3, ये जो सुपर हीरोज के जो मूवीज होते हैं ना, अगर देखा जाए तो उस मूवी में से कौन सा ऐसा मूवी है जो कि ज़्यादा रेवेन्यू कमाया है, मतलब ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। जैसे ये देखा जाए तो मार्वल्स जो एवेंजर तो बहुत हो गए, वो बहुत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। अगर देखा जाए तो जो स्पाइडरमैन मूवी होता ना, ये मूवी बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जो कि सब लोगों ने पैसा कमाया था, जो कि डायरेक्टर से लेके जो होते हैं ना, जो एक्टर्स करते हैं वो सब लोग, एक्टर और जो साइड में एक्टर, वो लोग बहुत रेवेन्यू कमाया था मतलब इस मूवी से। मतलब कोई ब्लैक पैंथर से या कोई बैटमैन से नहीं जानते, लेकिन स्पाइडरमैन को ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, इसलिए ना इस मूवी बहुत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था इस वजह से। नंबर 2, ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो दुनिया के जो मशहूर साइंटिस्ट थे ना, उनका आँखें अभी भी न्यूयॉर्क में एक सब प्लेस में रखा गया है। और वो तुम सोचो कि ये जो आँखें कैसे रखा गया है, ये एक ना एक केमिकल देके उसे रखा गया है, और उस केमिकल की वजह से ना अभी भी वो आँखें सेफली है अब तक भी उस प्लेस पर, न्यूयॉर्क की प्लेस में।
और ये है आइंस्टाइन की आंखें, किसे सेफली रखा गया एक डब्बे के अंदर, तुम देख सकते हो। नंबर वन, ये जो हमारा भारत के जो RBI बैंक होता है ना, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्हीं का एक अच्छा रूल बनाया गया है जो कि पैसा रिफंड, मतलब आपका नोट कहीं फट गया, कोई मतलब कोई चूहे ने काट लिया, कोई जल गया, थोड़ा फट भी गया, मतलब डैमेज हो गया, और उस नोट को लेके अपने आसपास की कोई बैंक है, जो बैंक ब्रांच है, उनके पास तुम जाओगे तो तुम्हें अच्छा नोट देगा ही देगा ये फटाफट नोट को लेके। ये RBI बैंक का जो ये मनी रिफंड रूल है ना, ये 2009 के रूल के हिसाब से अब तुम्हें अच्छा नोट देगा ये फटाफट नोट लेके। ये रूल ना मुझे बहुत अच्छे लगे, जो RBI का बैंक का जो रूल है ये। हम अगर इस दुनिया के इस धरती के सबसे बड़ा मॉल की बात करें तो वो है दुबई मॉल, और ये दुनिया के सबसे बड़ा मॉल से एक है, मॉल में से। और ये जो मॉल है ना, एक लोग कहते हैं ना ये बड़ा मॉल है, यहाँ के शॉपिंग करो, ये करो, वो करो, लेकिन देखा जाए तो दुबई से और कोई बड़ा मॉल ही नहीं है इस धरती में देखा जाए तो। आपको ये वीडियो कैसे लगा? वीडियो चलेगा तो लाइक सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो पर।